hello my name is Jani banotra i secured an all india rank of 51 in the neet 2022 and um, i'm currently pursuing my mbbs from ams delhi now a very common question that i'm asked a lot of times ki aap ka daily schedule kaisa tha aap dinne kaise the aap kitne ghante the these kind of questions are very very common and i know as viewers as aspirants as, as and often even as the aspirants parents you have a lot of questions like these um, so I will tell you how I did things, how my day looked, what my timetable and schedule was. But I would also um, ask you to keep in mind that this worked for me. Every student has their own way of doing things, and it's very important for you as a student to be able to figure out key what is working for you, what works best for you. Yeah. So, okay, my schedule looked very different. Um for like the first one and a half years where i had classes where i had school and the last you would say six months because that's when you know you can um, your schools normally give you breaks to go home and study completely so my schedule was very different so first i'll tell you about the first you can say first one and a half year right so first of all um, when i started my 11th up to तब तब तो मेरा कोई शेड्यूल था नहीं आई वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूज कि क्या करना है क्या नहीं करना ऊपर से कोविड में शुरू हुआ था तो मैं कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकती थी बाहर भी नहीं जा सकती थी बट घर बैठ के ज़्यादा पढ़ने का मोटिवेशन भी नहीं होता था बट आई ट्राई डूइंग द बेस्ट दैट आई कुड एंड हाउ डिड आई डू दैट तो बेसिकली जो क्लासेज होती थी हमारी सुबह uh, तीन बजे तक होता है स्कूल क्लासेज आजकल तो लाइक अलॉट ऑफ टाइम्स नाउ होते हैं स्कूल एंड लाइक ट्वेल्व और वन ऑल्सो सो दो फर्स्ट आई हैड क्लासेज इन द मॉर्निंग ओके नाव ब्रेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर माई क्लासेज आई स्ट गो फर दम एंड अभी ऑनलाइन होती थी तो आई वर्ड जस्ट ब्रेकअप इन द मॉर्निंग एंड गो टू द लैपटॉप ऑन माई डेस्क अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई इन क्लासेज नो मैटर वॉट वॉज हैपनिंग मैं क्लासेस में पूरा अटेंशन देने की कोशिश तो करती ही थी ठीक है ये बात अलग है कि ऑनलाइन में नींद लाइक दी डेट गेट वेरी स्लीपी कभी कभी बोर होकर लगता था क्या पढ़ा रहे हैं कुछ और देख देख लिया होता था समटाइम्स आई हैव डन स्टफ लाइक यू नो वे आई वेंटेड क्लास वॉचिंग शो आई वॉज वेरी इंबेरसिंग बट वंस आई वॉज वॉचिंग समिंग एंड आई लेफ्ट माई माई कन्व्यूटेड एंड दैनो द टीचर्स देव देवर लगे क्या चल रहा है वेरी वेरी इंबेरसिंग बट एट द सेम टाइम आई डिड यू नो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक श्योर आई वज लिसनिंग इन क्लास व नेवर पॉसिबल The reason I'm telling you that I have done this is not for you to normalize it for yourself. It's so that, if you feel that sometimes things get difficult or you are, you are stacking off a little bit, you are a student. You are allowed to slack off just a little. But it's, at the same time, it's very, very important for you to try your best to focus as much as you can in these classes, right? Because no matter how much you, read, when you are when you are listening to someone teach you and watching something at the same time.

माई इवनिंग्स पर नॉट वेरी प्रोडक्टिव लाइक एट ऑल सो इन दोन आई शड डू द रेस्ट ऑफ माई एक्टिविटीज़ की ठीक है मतलब नीचे जाल गया आई वुड प्ले सम स्पोर्ट आई वुड मीट माई फ्रेंड्स डॉक्ट टू माई फैमिल अराउंड देट टाइम देन आई वुड कम बैक फॉर डिनर इवनिंग्स मेरा ब्लर हो रही कि कुछ भी कर रही होती थी कभी टीवी देख रही होती थी कभी किसी के साथ बात कर रही होती थी देन डिनर के बाद अराउंड नाइन ओ क्लॉक के आसपास से आई वो स्टार्ट स्टार्टिंग एंड अराउंड नाइन पी एम आई वोट स्टार्ट स्टार्टिंग एंड ना सम स्टूडेंट्स हैव अ टसी कि अच्छा मैं आज मैं एक एक घंटा फिजिक्स करूँगा या करूँगी फिर कैम फिर बायो बट माई आई वॉज नॉट लाइक दैट माइन वॉज मोर टॉपिक बेस्ड सो समटाइम्स इन क्लास इफ आई फेल्ट लाइक आई अंडरस्टूड टू एवरी थिंग रियली वेल लाइक इन बायो वट आई वॉज लाइक स्कम थ्रू इट वेरी क्विकली टेन फिफ्टीन मिनट्स में कि हाँ ये आता है ये आता है ये आता है एंड देन आई वोट मूवमेंट टू लेट्स ए फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स एंड मेजॉरिटी ऑफ माई इलेवंथ नाउ दैट आई लुक बैक टू इट मैं ज्यादातर फिजिक्स ही करती रहती थी केमिस्ट्री और बायो जितना क्लास में समझ सकती थी समझ लेती थी और फिर हमारे रूटीन टेस्ट्स होते रहते थे टेस्ट से पहले मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी इवन बायो एंड केमिस्ट्री सो आई यूस्ट गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू फिजिक्स इन द नाइट लाइक दिस थिंग एंड इफ सो समटाइम्स इट वज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दैट आई नीडेड आई वुड स्टार्ट विद फिजिक्स बट इफ इफ आई डिसाइड कि टू सॉल्व फिजिक्स के क्वेश्चन वट आई टू डू डूज आई वुड स्टार्ट विद बायो एंड कैम बायो की एन सी आर टी एन पढ़ती थी ठीक है तो सी आर टी तो पढ़ना ही पढ़ना होता था और उसके साथ साथ केमिस्ट्री um, में इन द बिगिंग आई डिन फोकस ऑन एन सी आर टी दैट मच एंड देट वॉज अ मिस्टेक आई शुड लाइक आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन माई मॉड्यूल्स एंड आई वो सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम दैम एंड ऑलसो दैट वॉज गुड फॉर प्रैक्टिस आई मीन इट इटली इट वर्क फॉर मी बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि बिगिनिंग में एन सी आर टी भी करो एज मच एज यू कैन ठीक है एन सी आर टी करती थी और फिर उसके बाद इफ़ हैव टू सॉल्व क्वेश्चन फिर बैठ के लगा लो ट्वेल्व बार बारह एक बजे तो मैं फिर फिजिक्स शुरू करती थी देन आई यूश टू डू इट फॉर हाउ मच एवर आई कुड वेल टाइमिंग माई सेल्फ सो दिस हैज बीन दिस वॉज मेनली माई शेड्यूल फॉर माई नॉर्मल क्लासेज देन सो आई हैड लाइक टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी थ्री फोर वीक्स सो बिफोर माई टेस्ट द शेड्यूल वॉज स्लाइटली डिफरेंट इट बिकेम लिटिल बट मोर रेगरेस स्पेशली द टू थ्री डेज बिफोर द टेस्ट आई यूज टू आई शो डू बायो एंड कैम वेरी थरोली वेरी डीपली अच्छे से करती थी कि पूरी एन सी आर टी की मॉड्यूल्स से क्वेश्चन किए डाउट्स क्लियर किए और मुझे कभी पता होता था समटाइम्स लाइक अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू से कंसिस्टेंट बट आई नो इट्स नॉट वेरी ईजी ऑल द टाइम एंड वेन इट वॉज नॉट ईजी फॉर बी एन एड इन स्टेट कंसिस्टेंट तो फिर तो टेस्ट से पहले चार पाँच बजे तक भी जागती थी बट नॉट the डे ऑफ द टेस्ट ठीक है टेस्ट से एक दो दिन पहले जागती थी टेस्ट के डे तो मैं अच्छे से सोती थी एंड ज़्यादा सुबह भी ज्यादा पढ़ती नहीं थी और टेस्ट के शाम के बाद आई would लाइक टू से कि मैं आके टेस्ट को एनालाइज करती थी बट तो मैं नहीं करती थी टेस्ट के दिन तो मैं बस टेस्ट लिखती थी तीन घंटे का बाकी चौबीस घंटे मैं कुछ भी करती बट इट वॉज नथिंग रिलेटेड टू अकेडमिक्स ठीक है तो बिफोर द टेस्ट द फ्यू डिफोर द टेस्ट थिंग गॉट वेरी रेगरस बट At least because of that because of the amount of time i was giving to preparing for these tests which are small part by part syllabus right i could focus on those small parts very well so the marriage routine tests out there i would i would recommend you to um prepare for them properly and if even if you're not affiliated to a coaching and you're going to normal school i would recommend you to get some sort of test series because these test series are important for writing more tests but it's also important for giving yourself a schedule Ki, Haan, thikai, ye wala test you will study um, part by part so these small small tests were very important for this so this was माय शेड्यूल वीकेंड्स को तो फैमिली के साथ बाहर जाती थी आई वाज आई वाज लाइक गेटिंग ट्रेंड इन डांस आल्सो फॉर द फर्स्ट वन पॉइंट फाइव ईयर्स सो दीज आर थिंग्स आई कंटिन्यूड एंड द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज इट इज़ पॉसिबल इट इज पॉसिबल यू डू नॉट हैव टू गिव अपरीथिंग कि बस दो साल बस बैठ के तपस्या करनी है तपस्या करते हो मैंने तो आखिरी कुछ महीनों में की थी बट I did maintain a lot more. यू you know, there are there were like a few extra करिकुलर्स which I would recommend to everyone because because they are important for blowing off steam you know very very important because you should be able to you do get very stressed so that you have to you're able to let it out so i would um, i was getting trained in dance and i used to paint um, people have different things sports is something i would recommend very very much okay? working out doing things for yourself very nice so this was the one first 1.5 years now coming to the last six months okay?

दिस यूज टू चेंज इफ दे वर डेज वेर आई हैिकमिस्ट्री जो मुझे रटनी होती थी एंड आईव मैं डिड नॉट लाइक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं उसको बहुत डीपली और थरोली करती थी मैं उसको लाइक like, पूरी मैंने बुक दिमाग में रटली हुई थी बहुत क्लियरली एंड दैट वॉज बिकॉज वेन आई यूज टू डू इन ऑर्गेनिकम बस इन ऑर्गेनिकम के लिए आई यूज टू वेक अपेट लाइक सिक्स आई एम समाइम्स सिक्स आई एम उठी बिकॉज दैट पॉइंट योर मेमोराइजिंग कैपेसिटी, एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज वेरी हाई अगेन दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू एज ए स्टूडेंट हैव टू एक्सपेरिमेंट की फिगर आउट की क्या क्या करना है अगर मैं उस टाइम पर उठे कुछ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ ना एंड इवन आई सो वे अपट सिक्स बाई नाइन आई यू टू गट टायर्ड आई टू स्लीप अ गेन फल एन आर टू बट इट इज अ थिंगज मैं सुबह करती थी आई सू रेमर इट वेरी वेल एंड बिकॉज थिंग्स आर साइलेंट घर भी शांत होता है एन दैट टाइम कोविड चल रहा था तो सब इट वॉज अलॉट इजी टू फोकस एट दिस टाइम तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई डेड वेकअप वेरी ओली तो मेरा वही मेरा ना रेगुलर रूटीन नहीं था इट वॉज माई रूटीन वॉज ऑलवेज बेस्ड ऑन मैंने पढ़ना किया है किस टाइम पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं जल्दी उठती थी और अगर मुझे फिजिक्स करना होता था फिजिक्स सॉल्व करना होता था तो वो मैं रात को करती थी तो देट टाइम कभी मैं तीन चार बजे तक जा रही होती थी बस क्वेश्चन सोल्व करते हुए लाइक कंप्लीटली सॉल्विंग क्वेश्चन सो फॉर फिजिक्स until like लाइक so, like, it, or, like, or something. राइट दिस दैन नाउ अ सॉल्विंग क्वेश्चन बिकॉज अगेन दिस इज वॉट वर्क फॉर मी मैंने देख लिया था कि सॉल्व करना तो रात को अच्छे से हो रहा होता है एंड आई नो समाइम इज वेरी एग्जॉस्टिंग तो आई सो टाइम माई सेल्फ बट अगर टाइम नहीं कर रही होती थी तो आई वुड लाइक लिसन टू म्यूजिक बिकॉज म्यूजिक वाई सॉल्व बिकॉज दैट डिड कीप मी अर लिटिल बिट मोर जस्ट गेट मी हैपी वोल्विंग थिंग्स ओके सो दिस नाउ इन द लास्ट दिन लास्ट सिक्स मंथ्स आई वड बेकअप एट एनी पॉसिबल टाइम आई वु स्टार्ट स्टार्टिंग अच्छे से लाइक सबको शुरू कर दिया होता था एंड नाउ वेरी कंफ्यूज कि क्या पढ़ना है तो अगर तुमने टेस्ट सीरीज ली होती है कोई तो उसके शेड्यूल के हिसाब से तुम पढ़ते हो राइट right? भी टेस्ट सीरीज होता है अकॉर्डिंग टू दैट एंड आई है टेकन लाइक आई वॉज डूइंगेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी सो आई आई अकॉर्डिंग टू दट एंड अलॉन्ग विद डैट आई मेड अ टाइम टेबल फॉर माई सेल्फ एंड नॉट अ डेली टाइम टेबल डेली एंड टेबल तो मैं नहीं बनाती थी बट आई यूज टू मेक वर्स लाइक की तीन चार महीने का टाइम टेबल बनाया कि बाई दिस डेट आई वॉन्ट टू फिनिश दिस टॉपिक बाई दिस डेट आई वॉन्ट टू फिनिश दिस टॉपिक ठीक है तो देर वॉज अ टाइम टेबल दैट आई हैड मेड वैन यू क्रिएट दिस आई रिमेंबर अराउंड मार्च या फेबी आई वॉज वेरी मैं पैनिक कर रही थी कि इतना सब करना है कैसे करूंगी तो मैंने पहले टाइम टेबल बनाया मैंने टाइम टेबल ऐसे बनाया कि नीट जुलाई में हो रहा है जून के मेड तक आई शुड है फिनिश एवरीथिंग राइट एवरी थिंग एक दो बार तो कर लेना चाहिए था फिर से तो मैंने आई मेथ द टाइम टेबल एंड आई रियलाइज इट वॉज पॉसिबल आई काम डाउन सो मच मोर कि अच्छा ये तो आराम से हो सकता है सो आई डिड दैट आई मेड द टाइम टेबल और डेली टाइम टेबल बनाया था मैंने एक्सेल शीट खोली थी कि आज ये करूँगी ये करूँगी ये करूंगी, ये करूंगी। um, अच्छे से करती थी लास्ट सिक्स मंथ्स में से जो लास्ट टू मंथ्स था उसमें तो एवरी अदर डे टेस्ट भी लिख रही थी शाम को मैं टेस्ट लिखती थी नो आई नो कि टेस्ट लिखने के बाद ये वेरी टायर्ड तो आई वुड राइट अ टेस्ट इन द आफ्टरनून अराउंड टू टू फाइव बिकॉज नीट भी उस टाइम होता था ठीक है तो, तो उस टाइम पे टेस्ट में लिखती थी एंड उसके बाद आई वुड बी वेरी टायर्ड सो देन आई यू टू गो डाउन एंड इवन इन दी सिक्स मंथ्स मैंने बस पढ़ाई की और वट आई डिड वॉज एवरी एक्टिविटी डेट यू डू डेट यू डू इट हैज टू बी फॉर मेकिंग श्योर कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो इट्स नॉट कि तुम बस पढ़ रहे हो बट अगर तुम अच्छे से सो रहे हो देन यू बी एबल टू स्लीप बेटर लाइक यू बी एबल टू स्टडी बेटर और इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू हैव given yourself some time to um, to relax to watch tv or something this calms you down it rejuvenates your mind and you are able to study again so every activity that i did in these six months was only to make sure i am able to um, extract the maximum productivity from myself okay? so मैंने टाइम टेबल बनाया था कुछ महीनों का और लास्ट एक दो महीनों में तो मैं बहुत वो करती थी लाइक आई यूज टू कीप सॉल्विंग पेपर्स एज मच एज पॉसिबल बट डिस्पाइट दिस एवरी इवनिंग फॉर एन आवर और टू आई यूज टू गो आउट माई डैडी मेक लॉट ऑफ फन ऑफ मी ऑल्सो अबाउट दिस बट मैं जाती तो थी एंड आई यूस टू मीट माई फ्रेंड्स और ऐसा होता भी था लाइक इवन आफ्टर माई रिजल्ट केम आउट लॉट ऑफ पीपल व लाइक तो तो हमें रोज़ घूमते हुए दिखती थी ये कैसे एंड like, बस हो गया बिकॉज ऑल ऑफ इट वॉज फॉर मेकिंग श्योर दैट आई को स्टडी वेल सो दिस वज माई डेली शेड्यूल एंड माई टाइम टेबल And um, again, I would recommend you to do whatever you think works best for you. And that's it. All the best. Thank you.